गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल ब्यूटीफुल लाइफ एंड मी रिंकी जायसवाल। और मैं रिंकी, जानते तो है ना गाइज़। और आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, बिंदास होंगे। तो गाइज़, बस अभी 7 बज रहे हैं इवनिंग के, और आज की तारीख 23 सितंबर, और आज का दिन है मंडे। तो गाइज, बस मॉर्निंग से जो है ना, मैंने आज सोचा था कि मॉर्निंग में ब्लॉग चालू करूँगी, पर नहीं चालू कर पाई क्योंकि आज था श्राद्ध का, मतलब कि मातृ पूजा होती है, जिस दिन जो है ना अपने घर की जो महिला सदस्य होती है ना, जो बुजुर्ग होती है, उनका विसर्जन होता है। मतलब कीड़ा टहला था तो विसर्जन होता है, तो उसकी पूजा थी। तो फिर मैंने नहीं चालू कर पाई क्योंकि मेरे घर में तो नहीं थी, मेरी जेठानी के घर में थी, तो मैं वहाँ चली गई थी, तो जिसकी वजह से मैंने दिन में नहीं चालू कर पाई। और 2 दिन से मैं कोई ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। रीज़न क्या था कि जो है ना, इस समय क्या हो पा रहा है कि मुझसे ब्लॉगिंग हो ही नहीं पा रही। कभी कोई काम में बिजी हो जाती, कभी किसी चीज़ में, तो या तो कभी तबीयत ख़राब हो जाती, तो इसकी वजह से मेरे साथ आजकल जो है ना ब्लॉगिंग हो नहीं पा रही है। तो बस इसीलिए मैंने 2 दिन से कोई ब्लॉग बना नहीं पा रही थी। तो मैंने सोचा आज मैं एक ब्लॉग दे दूँ, नहीं तो आप लोग मेरा वेट करते हो वीडियो का। तो गाइस, बस यही है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन के साथ। और ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो गाइस, मैं यह कमरे में आ गई क्योंकि मेरे हस्बैंड आए हुए हैं, मतलब 7 बजे आ गई थी। प्याज मांगे मेरे, जिससे पूजा नहीं होती है श्राद्ध की, तो उसी की वजह से वो आज शॉप नहीं खोले थे, कहीं गए हुए थे अपने किसी काम से। तो वो अभी लौट के आए हैं, तो वाले रूम में है, तो मतलब मोबाइल में गेम वगैरह खेला करते तो उसकी आवाज़ आती है, तो जिसकी वजह से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाती, मतलब वॉइस रहता है एक्स्ट्रा। तो गाइस, यही है। तो मैंने सोचा चलो दूसरे रूम से ही बनाना चालू करती हूँ, मतलब कि जब स्वागत कर लेती हूँ आप लोग का। तो गाइस, यही है। और लग रही है मुझे बहुत तेज से भूख, और दिन में मैंने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया था, मतलब कि अपने घर में तो मैंने लंच किया था, मतलब लंच किया था, ब्रेकफास्ट था। मॉर्निंग में मैं 7 बजे 8 बजे कुछ ना कुछ खा लेती हूँ, तो उसके बाद मैं 11:30-12 बजे खाती हूँ। तो लंच या ब्रंच जो भी समझिए मैं खा लेती हूँ, मतलब पराठा वगैरह, तो मेरा पेट भरा था। उसके बाद मैंने 2 बजे फिर अपने जेठानी के घर में खा लिया था, तो मेरा इतना ज़्यादा पेट फुल हो गया था कि कुछ हद नहीं। तो गाइस, यही है। तो अब मुझे लग रही है थोड़ा सा भूख, क्योंकि बहुत देर हो गया और भूख भी लगनी चालू हो गई। मैंने सोचा था कि जो है ना 6 बजे करीब मैं ब्लॉग चालू करूँगी और मैक्रोनी बनाऊँगी, पर 6 बजे मैं सो गई सडनली, थोड़ा सा मतलब थोड़ी देर ही सो गई। 6:30 बजे मेरे हस्बैंड आ ही गए थे, तो इसकी वजह से जो है ना 6:30 बजे आ गए थे ये, तो फिर मैं उठ गई। तो देखते मैक्रोनी बनाती हूँ, नहीं तो कुछ बना लेती हूँ, भूख लगी हुई है। उसके बाद डिनर बनाती हूँ, और डिनर में भी आज कुछ स्पेशल बनाऊँगी, तो ब्लॉग को पूरा देखिएगा। चलते हैं इसमें थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। तो गाइज, मैं किचन में आ गई हूँ, यहाँ पे बनाने जा रही हूँ बनाना शेक, क्योंकि जो है ना मुझे प्लेन दूध बिल्कुल पसंद नहीं है, और कोई भी पाउडर मिक्स करने में मुझे उसका भी टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। पर इसीलिए मैं जो है ना यहाँ बनाना शेक बना रही हूँ, क्योंकि जो है ना बनाना में यहाँ काफ़ी ज़्यादा आयरन होता है, और दूध तो फ़ायदेमंद होता ही है बॉडी के लिए। तो इवनिंग में ही मैं दूध पीती हूँ, तो मैंने बनाना शेक यहाँ बना लिया है, तो दूध का दूध चला जाएगा और बनाना भी चला जाएगा। और यहाँ पर बनाना शेक बनाते हुए फैल गया था बहुत, जो है ना मैं बनाना शेक पी लिया है। तो अब मैं जा रही हूँ सबको पीसने के लिए, तो मैंने आपको दिखा दिया है। तो ये चने की दाल है, ये मिर्च है, ये लहसुन है, तो और ये उड़द की दाल है। दोपहर में इसको फुलो दिया था, तो अब मैं इसको पीस लूँगी, इसका छिलका निकाल दिया। तो गाइस जो है ना, इस सब को मैंने पीस लिया है, तो अब इसके अंदर जो है ना मैंने ये हींग मिलाया है, नमक मिलाऊंगी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद मैं जो है ना कचौड़ी मसाला मिक्स करूंगी, और उसके बाद मैं कश्मीरी लाल मिर्च जो है मिक्स करूंगी बस। तो गाइस, बैटर तैयार हो गया है, तो यहाँ पर मैं ग्रेवी तैयार कर रही हूँ। तो बस जो है ना बैटर को कोई फ्राई वगैरह नहीं करना है, कच्चा ही जो है ना उसमें लोई में भरना है आटे की। तो गाइज़, यहाँ पे मैं जो है ना जो ग्रेवी तैयार की, ग्रेवी बिल्कुल सिंपल होती है, तो इसमें सिर्फ जो है ना नमक ही होता है, कोई मसाला नहीं होता है। तो बस कढ़ाई चढ़ाई, कढ़ाई में ऑयल डाला, ऑयल गर्म हो गया तो जीरा डाल दिया, जीरा जब छटक गया तो उसमें हल्दी पाउडर डाला है, और हल्दी पाउडर को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद बस इसमें नमक डाल दूँगी और हींग डाल दूँगी, और पानी को अच्छी तरीके से बॉयल कर लूँगी। पानी यहाँ बॉयल हो रहा है, तो मैं यहाँ फरा बना रही हूँ। तो फरा की जो है ना मैंने छोटी छोटी सी पूड़ियाँ बनाई है, और पूड़ी बना के मतलब आटे की पूड़ी बनाई है, और इसके अंदर ये बैटर रख करके इसे जो है ना मैं जैसे गुजिया को
मोड़ा जाता है और उसको बंद किया जाता है, तो वैसे ही मैं बंद कर लूँगी और उसके बाद पानी में डाल दूँगी, क्योंकि पानी जब खौल जाता है तभी कोई भी जो है ना फरा डाला जाता है, नहीं तो फरा फिर ऐठ जाते हैं। और गैस जो है ना फरा सब बन जाए तो एक साथ डालना चाहिए, क्योंकि पानी जब गर्म होता है तो जल्दी जल्दी पकना स्टार्ट हो जाता है, तो जो बाद में पड़ता है वो कच्चा रह जाता है, तो सब कुछ साथ में ही डाल देना चाहिए। एक दो फरा बाद में पड़ते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जब ज़्यादा सफरे बना कर ही पानी में एक साथ डालना चाहिए। तो बस इसको मैं बॉईल कर लूँगी काफ़ी देर तक, मतलब आधा घंटे तक है ना। फरा बना लिया है मैंने और अब जा रही हूँ फरा को फ्राई कर दूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा जो है ना फ्राई फरा अच्छा लगता है, दाल का फरा, और जो है ना क्योंकि बॉयल होता है ना तो बॉयल हमको इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, और भाई दाल के फरे तो बहुत ज़्यादा मुझे जब फ्राई हो जाता ना ऑयल में जीरा डाल करके और थोड़ा सा मसाला डाल करके तो टेस्ट बढ़ जाता है इसका और जो है ना टेस्टी हो जाता है। फिर चाय के साथ खाओ ऐसे तो जो है ना मेरे घर में जब फरा बनता था, जैसे मैं ये स्पेशली करवा चौथ में ही बनता है फरे दाल के, तो बहुत सारे बना के रख लिया जाता था। मतलब कि अभी हम तो दो लोग हैं तो छोटी सी कढ़ाई में बनाए, लेकिन हम लोग की फैमिली इतनी बड़ी होती थी कि बड़ी सी कढ़ाई में कम से कम 5 लीटर वाली कढ़ाई में बनता था, और उसके बाद जो बच जाता था मतलब रात में तो सब एक खाते थे, क्योंकि मेरे यहाँ जो है ना कहते हैं ना उड़द की दाल और बड़ा और फरा और या करके बहुत सारी चीज़ें बनती थी, तो एक ही फरा रात को खाते बनता था, वो फिर से फ्राई तो होता नहीं था, ऐसे ही जो है ना बॉयल होता था तो हम लोग खाते नहीं थे। लेकिन मॉर्निंग में जब मॉर्निंग में हम लोग का बस यही एक ब्रेकफास्ट होता था, फरा काटो बस फ्राई करो और खा लो चाय के साथ, तो इतना ज़्यादा पसंद है। अभी भी जो है ना कभी कभार मैं करवा चौथ पे जब बन जाता है, मतलब पहले बड़ी कढ़ाई हम लोग बना लेते थे तो जो है ना उसको हम लोग मतलब दूसरे दिन करवा चौथ के दूसरे दिन पूरा दिन मतलब जब भी कुछ खाना है तो बस फरा काटो फ्राई करो खा लो, बस यही हमारा लंच भी होता था और यही रात का भी जो है ना ब्रेकफास्ट होता था, मतलब कि नाश्ता। अभी कुछ लोग कह देंगे कि शाम को ब्रेकफास्ट में ही होता है तो नाश्ता, तो बस चाय के साथ मज़ा आता है। तो बस एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत टेस्टी लगता है, और शायद आप लोग ने बनाया भी होगा, कुछ लोगों ने कुछ लोगों ने नया नाम सुना होगा, पर ट्राई करके देखिएगा बहुत टेस्टी लगता है। तो गाइस बस यही सब है, बस ऐसे ही दिन कट रहे हैं, मतलब ज़िंदगी कट रहे हैं तो ऐसे ही कहते हैं कि बस ऐसे ही दिन कट रहे हैं, तो बस यही है। तो गाइस बस फरा को फ्राई कर दो, उसके बाद काफ़ी लेट भी हो गया है, क्योंकि फरा को जो है ना बना लिए हैं और फिर उसको फ्रिज में स्टोर कर दिया ठंडा हो जाए, क्योंकि बाहर अगर ठंडा करने के लिए रखेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, 1-2 घंटे लग जाएंगे, तो फ्रिज में मैं रख के आई हूँ, तो बस ठंडा हो जाए तो फिर मैं उसको फ्राई करूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा बहुत तो ठंडा हो ही गया होगा, क्योंकि अभी जो है ना 11:15 और अभी मेहमान आ रहे, मतलब इन्होंने नाश्ता कर लिया था शाम को 7:30 बजे के करीब में, तो इन्हें भूख नहीं थी और मुझे तो भूख थी नहीं, क्योंकि आज मैंने काफ़ी खाना खाया है दिन में तो पेट काफ़ी भरा था, और शाम को मैंने जो है ना बनाना शेक पी लिया था तो मेरा पेट तो काफ़ी भरा हुआ था, तो फिर भूख तो दोनों को थी नहीं, इसलिए बड़े आराम से फरा बन रहा था। तो इसकी अब जो है ना 11:15 के करीब में हो रहा, जा रही हूँ फ्राई कर लूँगी, उसके बाद चाय बनाऊँगी और चाय के साथ खाऊँगी। अब मेरा बड़ा मन कर रहा था 2-3 दिन से फरा बना के खाने का, तो चलो आज बन गया, तो चलते हैं गाइस मैं फरा फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मॉर्निंग में मिलती हूँ, मॉर्निंग में बात करती हूँ। तो गाइस जो है ना फरा तैयार हो चुका है, बॉयल हो चुका है, तो अब मैं यहाँ पे फरा को फ्राई करने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम किया है, तो ऑयल गरम करने के बाद इसमें जीरा डाल दिया है और थोड़ी सी हींग डाली है, और बस इस फरे को मैंने काट लिया है। काटने के बाद मैं डाल दूँगी इसको फरे को, उसके बाद इसमें सब्जी मसाला और नमक डालूँगी थोड़ा सा बिल्कुल, क्योंकि नमक ऑलरेडी पड़ा हुआ है दोनों में, बैटर में और ग्रेवी में दोनों में। अब थोड़ा सा मैं इसमें जो है ना कश्मीरी लाल मिर्च डालूँगी और अच्छी तरीके से धीमी गैस में इसको फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए फरा फ्राई हो चुका, एक बॉयल फरा भी रखा हुआ है। तो इस तरीके से छोटे छोटे पीस में जो है ना फरा को काट लेते हैं और उसके बाद फ्राई कर लेते हैं, फ्राई करने के बाद इसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो गाइस ये मेरा आज का डिनर है, तो आप लोग भी जल्दी से आ जाइए, डिनर तैयार हो गया है। मॉर्निंग फ्रेंड, इस समय मॉर्निंग हो रहा है और मॉर्निंग का मतलब कि सुबह के 7 बज रहे हैं, और अब जैसे मैंने बताया कि मैं 7 बजे सो के उठती हूँ, तो उठती तो मैं जो है ना आजकल 4 बजे हूँ, क्योंकि 4 बजे मेरा नींद टूट जाती है, 2-3 घंटे की नींद है मेरी, तो टूटने के बाद बस फिर मैं जगती रहती हूँ, लेकिन बेड मैं 7 बजे छोड़ती हूँ। तो मैंने सोचा लो आप सबसे बात कर लूँगी, क्योंकि रात को मैंने वीडियो एंड नहीं किया था,
और सुबह सुबह जब उठो ना तो चेहरा कितना बड़ा बड़ा सा लगता है, आंखें सूजी सूजी सी लगती है। तो ऐसे ही कुछ है, और मैंने कुछ हेयर वगैरह नहीं खींचा है, जैसे मैं सो उठी हूँ ऐसे ही मैं आ गई आपके सामने। और ब्लॉगिंग में यही होता है कि ना मतलब कि इतना तैयार वैयार होकर के नहीं आना पड़ता, नहीं तो अगर जैसे और वीडियो होते हैं बिल्कुल तैयार होके आओ तो इंसान वीडियो ही ना बना पाए आलस में। तो घर यही सब है, तो बस जो है ना मैं जा रही हूँ कुछ अपने लिए बनाने, क्योंकि मुझे लगी है बहुत तेज़ से भूख। और देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत दिन से मैक्रोनी खाने का मन था, और जो है ना वही बनाऊँगी जा करके। क्योंकि अभी तो ब्रेकफास्ट मतलब कि मैं ही खाऊँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना 8:30-9 बजे तक ब्रेकफास्ट करते हैं, तब मैं बनाऊँगी सब्जी पर जो है ना पराठा। पर अभी मैं अपने लिए मैक्रोनी बनाने जा रही हूँ, वही खा लूँगी। और छिपकली फर्श पे है, ये छोटी सी छिपकली है जो फर्श पे चल रही है, क्योंकि इस समय गर्मी चल रही, तो गर्मी में कोई भी मतलब कि कीड़ा हो जानवर मतलब छिपकली वगैरह और कॉकरोच वगैरह बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो बहुत संभल के रहना पड़ता है। तो और गाइस जो है ना, आज मेरा बर्थडे है, आज 24 सितंबर को मेरा बर्थडे पड़ता है। तो गाइस बस कुछ खास नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे रात को विश किया था, और मेरे हस्बैंड हमेशा लेट कर देते, मतलब कि वो 12 बजे कभी विश किए ही नहीं आज तक। 12 बजे सबका मैसेज आ जाएगा, मतलब कि जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनका मैसेज आ जाएगा, पर मेरे हस्बैंड 12:30 बजे 1 बजे पहले विश नहीं करते। तो बस जो है ना उन्होंने विश किया था, उसके बाद मैं ऐसे भी रोज रात को 1 बजे से पहले सो नहीं पाती हूँ, मुझे नींद ही नहीं आती है, तो मैं बस सो गई। फिर उसके बाद अब जस्ट मतलब कि 4:30-4 बजे मैं उड़ गई थी, तब से अब मैं 7 बजे बेड छोड़ी हूँ। और तब और कल का ब्लॉक के पास इसी रूम में बन गया है, वीक्यू वाले रूम में जो है ना मेरे हस्बैंड। जब अभी जो है ना मैं नई नई ब्लॉगिंग नई नई के काफ़ी दिन हो गए, पर अभी भी मैं जो है ना किसी के सामने बोलने में थोड़ा सा शर्म आती है, तो इसकी वजह से मैं इस कमरे में आती हूँ वगैरह। और दूसरी वगैरह टीवी वगैरह चलता है, तो उसकी आवाज़ की वजह से मैं आ जाती हूँ दूसरे कमरे में। अब कह तो नहीं सकती कि टीवी बंद करो और जो है ना मुझे ब्लॉगिंग करना है, मैं खुद ही दूसरे कमरे में आ जाती हूँ। तो गाइस यही सब है। और कहते हैं ना जब बर्थडे होता है ना, तो बच्चा होता है इंसान है, तो कितने सारी ख्वाहिश होते हैं ना, बर्थडे में ये करेंगे, बर्थडे में वो करेंगे। आज मेरे मतलब हस्बैंड कह रहे थे कि चलो चलते हैं कि मूवी वगैरह देख के आते हैं, तो मैंने कहा शाम को चलेंगे, फिर मैंने कहा मंदिर चलते हैं, तो अभी तो कोई प्लान नहीं, क्योंकि मेरा कहीं जाने का मन नहीं होता है बर्थडे के नाम पे, क्योंकि बर्थडे मुझे लगता है ना बच्चों वाला होता है, तो बच्चों को ही मनाने तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसी वजह से जो है ना देखो जाती हूँ, कहीं नहीं जाती हूँ, घर ही में मनाती हूँ। कि मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब कि मेरे हस्बैंड अगर सुबह शॉप चले गए तो इवनिंग में ही जाना होगा, कहीं पे जाना भी होगा कि नहीं होगा ये भी पता नहीं, क्योंकि इस समय लखनऊ का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी बहुत तेज़ से। अगर मौसम अच्छा रहा तो कहीं जाऊँगी, नहीं तो मौसम नहीं अच्छा रहा तो कहीं भी नहीं जाऊँगी, घर ही में रहूँगी। तो देखते क्या करते हैं। तो गाइज बस इस ब्लॉग का मैं यहीं पेंट करती हूँ, आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ब्लॉग को लाइक दीजिए, और मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।